यार कुछ दिनों से मैं ग्रेटर नेपाल के बारे में बात कर रहा हूँ, उन ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ में नेपाल और इंडिया के दोनों की तरफ से न्यूज़ जितनी भी आती है उनके ऊपर रिएक्शन देके आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करता हूँ। अभी मैंने जितनी भी वीडियो इस टॉपिक के रिलेटेड शेयर की तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? कमेंट सेक्शन में कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार ग्रेटर नेपाल कहाँ से बनेगा, अब तो ग्रेटर नेपाल के बनने के चांसेस ही नहीं है। ये कहीं अब खुद आप सोचे, या तो ये नेपाली बोलेंगे, वो नेपाली जो अपने मुल्क से गद्दारी करेंगे, जो अपने मुल्क के साथ जो है वो वफा नहीं करते, जो अपने मुल्क के नहीं है, या तो ये इंडियन हो सकते हैं। दो हो सकते हैं आपको मैंने बताया, जो अपने नेपाल के साथ गद्दारी करें, या तो ये वो लोग हैं जो इंडियन हैं। अब कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है, आप नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात को ख़राब करें। यार मैं कहाँ ख़राब करूँ, मैं तो रिएक्शन दे रहा हूँ, न्यूज़ आ रही है इंडियन मीडिया से। अब आप इंडियन मीडिया को पकड़ो ना, मैं तो इंडियन मीडिया की न्यूज़ को रिपोर्ट कर रहा हूँ, उनके साथ रिएक्शन दे रहा हूँ आपको कि भाई नेपाल की मीडिया ने ये बात की। अब ये होना चाहिए कि मैंने बोला कि यार नेपाल की मीडिया ने ये बात की, अब आगे ये होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए था, या इंडियन मीडिया ने ये बात की तो ये नहीं होना चाहिए। मैं जस्ट रिएक्शन देता हूँ, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन है। किसी भी वीडियो को देख के उसके अंदर गलतियाँ पकड़ना, किसी भी वीडियो को देख के उस वीडियो को एक्सप्लेन करना। अब जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, पाकिस्तान की मीडिया ने ये बात की थी कि ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री क्या है, तो उसकी हिस्ट्री उन्होंने बताई, फिर उसके अंदर उनके जो गलत बात की थी, मतलब कुछ उन्होंने चीज़ें गलत बताई थी, वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है, ना कि सिर्फ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब करने। हाँ, दूसरी बात मैं यहाँ पे ये करूँ कि ग्रेटर नेपाल की बात सिर्फ और सिर्फ असली और रियल और वफादार नेपाली करेंगे, जो नेपाल के साथ हैं और जो नेपाल के रहने वाले हैं, वो लोग नहीं जो इंडिया में बैठ के नेपाल के पीछे बातें करते, या वो इंडियन नहीं जो नेपाल के ताल्लुकात को ख़राब करें। भाई ताल्लुकात कहीं भी ख़राब नहीं होती। वैसे तो आपने अखंड भारत का भी मैप लॉन्च किया तो ताल्लुकात किसने ख़राब किया? किसी ने भी नहीं ख़राब किया। पाकिस्तान की जगहों पे आपने अपने मैप में दिखाया कि पाकिस्तान की जगह आप अपने मैप में दिखा रहे हो, तो पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं बोला। ताल्लुकात ख़राब नहीं होते, बातें जो है ना निकल के आती है। मैं अगर आपको अभी इस टाइम पर दिखाऊँ कि ग्रेटर नेपाल के मैप से पहले अखंड भारत का मैप आया था, अखंड भारत का मैप क्यों आया? अब आपको मैं कुछ बोलूँगा तो आप यही बोलेंगे कि यार ये अनडिवाइडेड इंडिया की बात है, ये वैसी तरीके से अनडिवाइडेड नेपाल की बात है। और यही चीज़ इंडियन को समझ नहीं आ रही है कि ग्रेटर नेपाल नहीं हो सकता। तो बस सीधी सी बात यही है कि भाई कमेंट सेक्शन में आपने जो भी कमेंट करना है मैं नहीं पढ़ने वाला, और उन लोगों के कमेंट पढ़ूंगा जो सिर्फ और सिर्फ सच्चे और रियल नेपाली होंगे, इसके अलावा ग्रेटर नेपाल की तहरीक को सपोर्ट करेंगे। और यही सारी बातें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला था। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।